वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और चाय पीना शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि सुबह सुबह चाय बहुत ज़रूरी होती है और जब टीवी ऑन करें तो हाथ में चाय का मग हो तो फिर आपका ध्यान भी रहता है, आप ज़रा फोकस के साथ बातें सुन सकते हैं। और आज फोकस इसलिए होना चाहिए जनाब क्योंकि आज बहुत मज़ेदार चीज़ें भी हैं हमारे शो में। हमेशा की तरह कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें आपको आपकी हेल्थ के हवाले से, और स्पेशली जब हम बात करते हैं अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग शोज़ की तो ज़्यादातर जो हम मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वेमेन जो होती है हमारी टारगेट ऑडियंस होती हैं, वेमेन जो ख़वातीन हैं अमूमन समझती हूँ अपनी सेहत का उस तरह से ख्याल नहीं रखती, उन्हें बाकी सबकी सेहत का पता होता है लेकिन अपने लिए टाइम शायद हम कहीं ना कहीं नहीं निकालते हैं। तो आज हम ख़वातीन की हेल्थ पर बात करने वाले हैं तो लिहाजा आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ चंद रिसर्च शेयर करने वाली हूँ और जो दुनिया भर में अनोखे कारनामे लोग करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जनाब सुबह जब मेरी रिसर्च पढ़ी थी तो मैं बैठी बाद मैंने कहा भाई इतने अजीबोगरीब काम है जो लोग कितने शौक से करते हैं, इतने पैशन से करते हैं। और मुझे सोच कर ही कुछ हो रहा था जनाब कि आपको मैं बताने वाली हूँ। जनाब एक बरतानवी तैराकी स्विमर हैं जिन्होंने 157 डेज तक समंदर में तैराकी करके आलमी रिकॉर्ड बना लिया है। रोज एडले की बात की जाए तो उन्होंने बरतानिया के मार्गेट साइल से 1 जून को अपने सफर का आगाज किया और 157 डेज तक 200 मील का सफर तय करने के बाद वापस उसी मकाम पर आकर अपने सफर का अख्तिताम भी किया, जहां उनका बहुत ही पुरजोर तरीके से इस्तकबाल भी किया। रोज एडली की बात की जाए तो दुनिया के पहले शख्स बन चुके हैं जिन्होंने तवील तरीन तैराकी की और 157 डेज तक ये जमीन पर कदम रखे बगैर समंदर में तैरते हुए अपना सफर इन्होंने तय किया। रोजाना 12 घंटे अगर इनकी फिटनेस की बात की जाए तो ये तैराकी करते हैं और खाने में रोजाना 640 केले खाते हैं जो इनकी गजाई जरूरत को पूरा करता है। मतलब 640 केले खाना इट्स अ रियली टफ जॉब आई मस्ट से। अच्छा जनाब इसके साथ साथ एडवेंचर से भरपूर जो बात की जाए, इनके सफर के दौरान इनके साथ एक लाइफ बोट भी मौजूद थी लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बल्कि फॉर्चुनेटली कहा जाए इनको इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई और इन्होंने मुसलसल समंदर में रहकर आलमी रिकॉर्ड बनाया है जिसके बाद इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। इन्होंने बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस भी इन्हें फेस करने पड़े अपने सफर के दौरान, जिसमें बात की जाए तो एक जेलीफिश भी जो है इनके स्विमिंग सूट से बात की जाए तो वो चिपक गई, इस पर भी उन्होंने इतना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनके चेहरे पर भी हमला किया एक मछली ने। उनका ख्याल था कि वो ये सफर जो है 100 रोज में तय कर लेंगे लेकिन जब वो 200 मील के सफर तय करने के बाद वापस आले समंदर पर आए तो उन्होंने अपने इस्तकबाल करने वालों से कहा कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। मतलब उन्होंने फुल फिल्मी अंदाज में कहा होगा जब। और उन्होंने ये भी बताया अपने इस एडवेंचरस जो जर्नी है कि उन्होंने इस सफर के दौरान 3 रोज तक वो खतरनाक लहरों से भी मुकाबला करते रहे और उसके साथ साथ एक वेल मछली भी है जिससे उनका सामना हो लेकिन किस्मत से उनका इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात की जाए तो रोज एडली ने 2016 में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है उसके बराबर सफर 19 घंटे में रस्सी पर चढ़कर तय किया था, यानी कि ये दूसरा आलमी रिकॉर्ड है जो रोज एडली ने अपने नाम करवाया है और वो तवील तरीन तैराकी का है। जनाब दुनिया भर में अनोखे काम होते रहते हैं और ये उनमें से एक था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चूंकि इनका नाम शामिल हो चुका है। इसी तरह एक और जो है मौसूफ इनकी भी बात मैं आपको बता दूं जनाब, यूक्रेन में मजबूत दांतों के मालिक शख्स ने 667 टन वजनी माल बरदार बहरी जहाज अपने दांतों से खींचकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। जनाब ये मंजर जो है बहुत सारे लोगों ने देखा और 40 साल शख्स ने 677 टन वजनी बहरी जहाज को 52 फिट तक खींच कर आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम किया। मतलब दांतों के साथ इतना जुल्म और फिर उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखवाना, मतलब ये कैसे किया ये वाकई डाउटफुल बात है और मैं खुद बड़ी परेशान हुई थी कि ये दांत इतने मजबूत हो कैसे रहते हैं। हम जो कहते रहते हैं हर वक्त अरे हमारे दांतों को क्या हो गया पता नहीं, ठंडा गर्म लग जाए तो हमें मुसीबत आ जाती है, और ये दांत से बहरी जहाज 677 टन वजनी माल बरदार बहरी जहाज अपने दांतों से खींचा वो भी 52 फिट तक, मतलब जबरदस्त जनाब। इससे पहले 2001 में रिकॉर्ड बना था लेकिन इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सका, बिलाखिर ये रिकॉर्ड जो है वो टूट गया और ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा चुके हैं। चलिए जनाब हम सेहत की बात करते हैं और जब सेहत की बात करें तो मैंने इंट्रो में ही कहा कि हम आज खवातीन की सेहत के हवाले से बात करने वाले हैं।
नॉर्मली खवातीन जो होती है वो निगलेक्ट कर देती है, बच्चों की सेहत का ख्याल है, घर वालों की सेहत का ख्याल है, मियाँ की सेहत का ख्याल है, अपनी सेहत के ख्याल के लिए कुछ खातिर ख्वाह इकदाम हम करना पसंद नहीं करते, या हम एंड पे ये बहाना दे देते हैं तब टाइम ही नहीं मिला कि क्या करते, बच्चों को देख रहे थे, मियाँ को देख रहे थे, ससुराल वालों को देख रहे थे। तो ये सारे मामला जो है खवातीन की हेल्थ कितनी ज़रूरी है आज हम इस पर बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर आमिना ज़िया जो कि लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में होती हैं। उसके साथ साथ जनाब ये हमें बताएंगी खवातीन की ओवरऑल हेल्थ के हवाले से। वेलकम टू द शो डॉक्टर आमिना, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुबह सुबह 640 किलो केले बता के थोड़ा सा मुझे भी हैरत में डाल दिया है। मैं बहुत हैरानी हो गई थी डॉक्टर आमिना, ये इट्स रियली वंडरफुल, इट शोज कि अगर डाइट सही हो तो इंसान हर तरह की ताकत का मुजाहिरा कर सकता है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये सबसे पहला पैगाम है हमारी खवातीन के लिए कि अगर अपनी डाइट सही रखेंगी तो वो हर तरह का काम कर सकती है। अच्छा डॉक्टर आमिना, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी खवातीन की हेल्थ के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं जो खवातीन को फेस करने पड़ते हैं, पहले उन मसाइल को डिस्कस करेंगे और फिर उनके क्योर पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरी बात ये है कि औरत की जो है ना एक बैकबोन ऑफ द फैमिली है, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ना सिर्फ घर की होती है बल्कि बच्चे पैदा करना और फिर उनको पालना। हमारे यहाँ औरतों का सेगमेंट थोड़ा सा इग्नोर्ड सेगमेंट रहा है, इंडो पाक में एक सिलसिला रहा है कि खवातीन अपनी तरफ ध्यान कम देती हैं, और थोड़ा सा हमारी सोशल सर्कमस्टांसिस भी ऐसे रहे हैं कि खवातीन को सेकेंड ग्रेड सिटीजन वाली हैसियत रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है तब्दीली आई है, हमारे रसूल ने सबसे पहले तब्दीली लेकर आए, और उसके बाद रियलाइजेशन कि नहीं औरत की हैसियत तो एक बहुत बड़े पिलर की, एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जिसके ऊपर बहुत सी चीज़ें रिलाई करती हैं। सेहत का जो सिलसिला है वो बचपन से स्टार्ट हो जाता है। बच्चियाँ अपनी स्कूल एज में डाइट इग्नोर कर रही होती हैं, दूध नहीं पीती हमारी यहाँ बच्चियाँ। अच्छा फिर क्या होता है कि आहिस्ते आहिस्ते जो आयरन की कमी बहुत होती है, हमारे यहाँ कुछ इन्फेक्शन्स बहुत कॉमन है जिस तरह डायरिया बहुत कॉमन है। फिर होते होते जब तक वो उस एज में पहुँचती हैं जब शादी ब्याह की उम्र आती है तो उनके अंदर एक डेफिशिएंसी पैदा हो चुकी होती है, यानी एक कमी पैदा हो चुकी होती है। उसके साथ सारा जोर तो लहंगे गरारे और मेकअप पे हो जाता है, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखते। बहुत से मुल्कों में शादी से पहले एक हेल्थ एनालिसिस होता है उनका, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं। अगर हम उससे पहले ही कुछ अर्सा पहले अपने बच्चों की सेहत की तरफ देखें तो आई थिंक बहुत सी कमी जो पहले पैदा हो रही है वो ख़त्म हो जाए। अब बाय द टाइम शी एंटर्स इन एज वे शी इज़ मैरिड और उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़नी है तो वो एक ज़्यादा बेहतर अंदाज में एंटर हो सकती है। और आजकल आपको पता है जंक फूड का बहुत रिवाज हुआ, टीन एजेस में ख़ास तौर पर जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, शवारमा, डाइट ही ये रह गई है, कोक, पेप्सी। तो ये आजकल के दौर की कुछ ऐसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स पैदा कर रही है जो आगे जाके ज़िंदगी में बच्चियों के लिए बायस तकलीफ बनती है, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को यानी कि बच्चे पैदा करने के सिलसिले को अफेक्ट करती है, और औरत का की हेल्थ का स्टेटस ऑब्वियसली गिरता है। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती अमल है, लेकिन इस कुदरती अमल को सही अंदाज से गुजारने के लिए इंसान को कुव्वत चाहिए। मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर कहती हूँ कि बच्चा दवा से नहीं गिज़ा से बनेगा, और लड़कियाँ वो कहती नहीं डॉक्टर साहब दिल नहीं चाहता, नहीं दिल चाहता हम नहीं। मैं दिल का मामला जब आप बना लेते हैं ना तो चीज़ें गड़बड़ होने गड़बड़ हो जाती है। अच्छा डाइट डॉक्टर आमिना, और जिसे भी आपने सारा फोकस भी बेसिकली डाइट पर ही कहा, डाइट बहुत ही हम कह लेना वो एक तो हम इग्नोर करते हैं, प्रॉपर हमारी न्यूट्रिशन अंदर जा नहीं रही, विटामिंस डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा ही हमारे अंदर है, तो डाइट में जो ये जो सारी डेफिशिएंसीज हैं इनको ओवरकम करने के लिए किस तरह की डाइट स्पेशली फोकस होनी चाहिए? बेटी देखिए हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ अगर मैं कहूँ ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो दो सेगमेंट्स हैं हमारे, एक वो है कि जिनको प्रॉपर मुहैया नहीं होती है गज़ा, एक वो है जिनको मुहैया तो है लेकिन वो खाते सही चीज़ नहीं है। ये तो मैं इस वक्त चूँकि लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, हमारे पास ज़्यादातर ऐसे ही लोग आते हैं जो सोशो इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं होते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसे आते हैं जिनके पास माशाल्लाह सब कुछ दिया अल्लाह का मौजूद है लेकिन वो फिर भी गलत चीज़ चूज़ कर रहे हैं खाने के लिए। सबसे पहली बात ये कि आपकी ग़िज़ा में, देखिए पहले वक्तों की औरतें भी बच्चे पैदा करती थी, 10-12 बच्चे पैदा करती थी लेकिन सादी ग़िज़ाएँ थी, और उसके बावजूद उनमें एक मतलब वो रिप्रोडक्टिव एज में से अपनी जब गुजरती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला चलता था। डाइट में जो है ना ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी एंटर करेंगी उनमें कैल्शियम,
وائٹمن ڈی، آئرن، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے یہ چیزیں قدرتی چیزوں میں موجود ہیں، کوئی کیپسول نہیں لٹک نہیں رہا درخت سے. لیکن یو نو دودھ کی مثال لوں گی، دودھ اتنی مکمل غذا ہے. اور اکثر آپ خواتین سے پوچھیں وہ دودھ نہیں پی رہی ہوں گی، بچیاں دودھ نہیں پیتی ہیں، ٹین ایجرز نہیں لیتی ہیں، جبکہ گروئنگ ایج میں آپ کی بونس کے لیے بہت ضروری ہے. جن میں وائٹمن ڈی کی ڈیفیشنسی اگر ماں میں ہوگی تو آبویسلی بچے میں بھی آئے گی. اسی طرح بیٹے جو لوگ انیمک ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں آئرن کی کمی ہے، خون کی کمی ہے، تو خون نہیں صحیح بن پاتا. جب خون کم بنے گا تو عورت میں کمزوری ہوگی، چلنے پھرنے سے سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، جب جوڑوں میں درد شروع ہو گیا اور بہت ارلی ایج میں ہونا شروع ہو گیا. ویری رائٹ، ویری رائٹ. کیونکہ دیکھیے ایک جو پیریڈس کا پرابلم سلسلہ چل جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، اور انیمک خواتین میں بھی یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم بغیر کسی دوا کے حل کریں، تو اپنی ڈائٹ صحیح رکھیے. ڈائٹ میں آئرن کے اللہ تعالیٰ نے سورسز رکھے ہوئے ہیں، کیما، گوشت وغیرہ، جس طرح ریڈ میٹ، وہ ایک اچھا سورس ہے. چلیے اگر آپ روزانہ نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ لے لیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، ان کے کچھ ایک پاپولیشن ایسی ہے جو یہ بھی نہیں کر سکتے، تو بیٹے اس کی اور آلٹرنیٹس بھی موجود ہیں. سبزیوں میں جیسا پالک ہے، پالک میں بہت اچھا ہے، چقندر میں بہت آئرن موجود ہے، اور دالوں کو مکس دالیں اگر آپ کھائیں وہ پروٹین کا ایک اچھا سورس ہے. اسی طرح پھلوں میں جس طرح انار اور سیب کا آج کل سیزن چلا، میں تو اپنے پیشنٹ سے کہتی ہوں کہ آپ زبردست، ہاں ایگزیکٹلی، آپ انار کا جوس یا سیب کا جوس، ایک گلاس میں تین سیب آ جاتے ہیں، ایک گلاس میں تین انار آ جاتے ہیں، آپ ایک وقت پہ تین سیب نہیں کھا سکتے. اگر آپ ایک گلاس جوس روزانہ لے لیں، وہ لوگ جو نہیں زیادہ کھا سکتے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے زیادہ کھانے کی، یا پسند نہیں کرتے مرغن غذائیں، تو ان کے لیے آلٹرنیٹس موجود ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے زندگی میں کس چیز کو اہمیت دی. وہ کہتے تھے نا بڑے بوڑھے، جان ہے تو جہان ہے. اچھا ڈاکٹر عاملہ، ابھی ہم آپ سے مزید بھی ڈسکشن کریں گے اور آپ سے مزید ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے. ابھی ہم بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے ڈاکٹر عاملہ. میں ہم لائیو کالز بھی لیں گے، اگر آپ لائیو کال کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر عاملہ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہو جائے گا، ہم کالز بھی لینا شروع کرتے ہیں. اور ابھی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.